हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज सुबह से, इनफैक्ट कल रात से मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज हमारी फैमिली हो गई है 300K की। यस, रियाज अमेजिंग वर्ल्ड की यूट्यूब फैमिली 300K की हो गई है। तो कल रात से बहुत सारे लोगों ने जब 300K हुए तब कॉन्ग्रेचुलेशन कहना स्टार्ट कर दिया था। एंड इनफैक्ट आज सुबह भी बहुत सारे लोगों ने कहा, मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी किया। एंड आप सभी लोगों को, सारे 300K लोगों को दिल से थैंक यू सो मच। तो मेरे जैसे आई थिंक कल आप लोग भी वेट कर रहे थे कि जैसे ही डिजिट चेंज होगा 2 से आगे 3 आ जाएगा, तब आप लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन कहना स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक आप लोग मेरी तरह कल रात से वेट कर रहे थे 300K होने का। एंड आई एम सो लकी कि मुझे आप सब लोग जैसे इतने प्यारे प्यारे YouTube फैमिली मेम्बर्स यानी कि अमेजियंस मिले हैं। एंड कल रेड चैलेंज की थी तो यहाँ पर बहुत सारा कुछ डिक्लटर करना था, तो आज मॉर्निंग में वो सारा डिक्लटर हो गया। इनफैक्ट मॉर्निंग की थोड़ी सी पढ़ाई भी हो गई। एंड मुझे ये रेड पिलो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये रेड पिलो मैंने यहाँ पर रखा। एंड ये रेड पेन मैंने यहाँ पे रखी, ये शोपीस में मतलब बहुत अच्छा लुक दे रही थी। एंड एसेसरीज वगैरह भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज फिर से हो गया, जैसे कि ये कांगी, हाँ ये हेयरबैंड्स है। एंड बाकी की सारी जो एक्सेसरीज है वो अपनी अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज कर ली मैंने, और इसमें सारे जो रबर्स है वो ऑर्गेनाइज हो गए। तो अभी सबसे पहले मुझे जो करना है वो क्या है आप समझ गए होंगे, तो उस चीज़ के लिए हमें बाहर जाना है। एंड दूसरी भी एक बहुत ही स्पेशल एंड इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके लिए बाहर जाना है, तो मैं तो दोनों की चीज़ों के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो चलिए जाते हैं बाहर एंड हम क्या क्या लेते हैं, क्या क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा था ना एक स्पेशल चीज़ लेने के लिए हम जा रहे हैं, तो वो स्पेशल चीज़ लेने के लिए हम आ गए। वैसे बहुत सारी लेनी है, वो हम क्यों ले रहे हैं उसका हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ बाद में, लेकिन हम कौन सी चीज़ें ले रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि फिर वो गिफ्ट रैप हो जाएगी तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं इसलिए। और ये जो सब ले रही हूँ वो मैं मेरे लिए नहीं ले रही हूँ, और क्यों ले रही हूँ वो तो बाद में दिखाऊँगी बताऊँगी आपको, लेकिन अभी क्या क्या चीज़ें हम लेंगे वो पहले कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कौन सी ले उसमें ही बहुत सारा कन्फ्यूजन है, लेकिन एक 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 लेते जाते हैं, देखते जाते हैं। देखो मैं सबसे पहले फटाफट कलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे पाउच है तो मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो रही हूँ, तो मैं एक काम करती हूँ, सारे पाउच हम जब ले लेंगे सारी चीज़ें तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी फाइनली हमने सारी गिफ्ट्स ले ली है, तो मम्मा अरेंज करके देख भी रहे कि हमें जितने चाहिए उतने है, काउंटिंग करके देख रहे। तो मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये सारी पाउचेस की लाइन है, तो पर्पल पाउच, रेड पाउच, ऑरेंज पाउच, रेड, येलो, ग्रीन, देन ये एक बहुत ही डिफरेंट मिनियन वाला है। फिर यहाँ पर ये पेंसिल के बॉक्सेस है, देन आते हैं यहाँ पर, तो ये सारे पाउचेस के अंदर भी चीज़ें रखी हुई है। देखिए सबसे पहले ये वाला पाउच से स्टार्ट करते हैं, तो इसके अंदर इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन स्काई ब्लू थीम के मैचिंग है, पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर एंड स्केल, तो ये सारी चीज़ें इस पाउच में है। अब ये वाला पाउच, इस वाले पाउच के अंदर है ये पूरा जो सेट आता है, पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, पेन नहीं, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, वो वाला है। अब ये ऑरेंज पाउच, इसमें हमने ऑरेंज थीम की हुई है, तो ये मल्टी कलर इरेजर्स है, ऑरेंज पेंसिल है, स्केल एंड शार्पनर, एक्चुअली वो ऑरेंज था नहीं तो ब्लैक हमने यहाँ पर रखा, तो ये सारी चीज़ें इसमें है। इस वाले पाउच में हमने रखा है ये जो सेट आता है वो, जो इस वाले में रखा था उस तरह से। अब ये छोटा सा बहुत क्यूट है एंड इसके अंदर भी हमने कुछ रखा है, देखिए ये की चेन एंड ये वाला, इसके अंदर भी हमने कुछ रखा हुआ है। ये पांडा वाला है, तो पांडा, ये भी एक्चुअली पांडा वाला है लेकिन दूसरा पांडा था नहीं। देन ये एक छोटी सी डॉल, ये स्केच पेन एंड उसके नीचे ये कलर्स है, तो वो मतलब दोनों एक साथ ही गिफ्ट रैप होंगे। ये है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की पेन, ये डिफरेंट डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स है, और ये दोनों एक ही साथ है। ये मल्टी कलर पेन्स है, उसके पीछे है वॉशी टेप्स छोटी छोटी, देन ये आइसक्रीम स्टिक्स डिफरेंट कलर की, छोटी सी डायरी, देन ये है क्रेयॉन्स, ये दोनों बॉल्स, ये एक साथ ही है,
देन वॉशी टेप्स बड़ी वाली, ये तीन किचन एक ही गिफ्ट में जाएंगे, एंड ये नोटबुक बी ऑसम। हाँ बी ऑसम। तो अभी फाइनल काउंटिंग भी हो गया, एंड अब मैंने आपको जिस जिस चीज़ के अंदर जो जो गिफ्ट्स के अंदर भी गिफ्ट्स रखे हुए वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो अब हम भैया को दे देते हैं ये सारी गिफ्ट्स रैप करने के लिए। अभी हमने पैक करने के लिए दे दिया है भैया को, और उनको ऑब्वियसली करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो हम बाद में लेके जाएंगे। अभी हमें दूसरी एक चीज़ लेनी है, तो वो हम लेने जा रहे हैं। एक्चुअली मम्मा ने लंच कर लिया, लेकिन मुझे इतनी भूख नहीं थी तो मैंने लंच किया नहीं था, तो इसलिए मम्मा मुझे पूछ रहे कि मुझे अभी भूख लगी है। मुझे इतनी भूख नहीं लगी नहीं अभी तक। इसी एक्साइटमेंट में पेट भरा था उसका। हाँ मम्मा ने मेरे लिए लंच ले लिया है साथ में। मैंने वो दाल चावल साथ में लिया है। हाँ तो अगर मुझे भूख लगे तो फिर से घर पर ना जाना पड़े, एंड साथ में कुछ फ्रूट्स भी लिए हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि पहले तुम थोड़ा, अभी हम दूसरी जगह जाए तब तक थोड़ा खा लो। तो अभी लंच जितनी भूख नहीं लगी तो मैं सोच रही हूँ फ्रूट्स खा लूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा फ्रूट खा लो कुछ भी, मतलब पेट भरा रहेगा। अभी ना गिफ्ट लेने में काफी टाइम हो गया, क्योंकि तुम्हें छोटी छोटी चीजों में पर्टिकुलर मैचिंग थीम वगैरह करना बहुत पसंद है, तो जिस तरह से वो खुद लेती है उसी तरह उसने गिफ्ट लेने के लिए चूज किया है कि छोटी छोटी चीज, मतलब मुझे ना इस तरह से मैचिंग हमने थीम वाइज किया है, इस तरह से बहुत मुझे मजा आता है लेने में। तो मैंने सोचा कि हम गिफ्ट ले रहे हैं तो वैसे ही बिल्कुल लेते हैं जैसे खुद लेती है, मतलब थीम करके मैचिंग करके इसी तरह गिफ्ट लिया उसने। तो मम्मा ने साथ में लिया है पोमोग्रेनेट और ऑरेंज। अभी हम आ गए हैं वहाँ पर, कहाँ पर, थ्री लेने। तो ये वाली शॉप में हम आए हैं एंड हमने थ्री ले लिया, एंड वैसे और भी प्यारी प्यारी बहुत ही सारी चीज़ें हैं इस शॉप में, बट और तो खास कुछ लेना नहीं था। मतलब कि बर्थडे डेकोरेशन के रिलेटेड भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, एंड बहुत यूनिक यूनिक चीज़ें हैं, लेकिन बर्थडे या फिर इस तरह से तो कुछ लेना नहीं है। एंड ये वाला जो डेकोरेशन है ना वो तो बहुत ही मस्त है, और ये डेकोरेशन देख के मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ गई कि इस बार जो क्रिसमस ट्री वाला हम डेकोरेट करेंगे तो वो DIY करने का तो टाइम नहीं रहेगा, तो इसलिए हमने सोचा कि ये रेडीमेड जो सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी डेकोरेशन के लिए वो ले लेते हैं, एंड हमने रेडीमेड क्रिसमस ट्री भी ले लिया। यहाँ पर वैसे बहुत, मतलब बहुत सारे यूनिक यूनिक एंड डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हैं, तो हम शांति से देख रहे थे, बहुत टाइम लग गया इसमें, लेकिन ये देखिए ये बाहर का डेकोरेशन भी बहुत मस्त है। तो दूसरी स्पेशल चीज़ हम लेने गए थे वो है ये। तो अभी हम घर पर आ गए हैं, और वो जो थ्री है वो, देन ये जो सारा डेकोरेशन है क्रिसमस का वो लेकर घर पर आ गए हैं। अभी मैं जब इसे इन्फ्लेट कर रही थी तो पता नहीं अंदर कुछ अच्छे से स्ट्रॉ जा नहीं रही थी, तो मैंने मम्मा को दिया और मम्मा ने पूरा कर दिया। तो अभी है डिनर का टाइम, एंड गैस खत्म हो गया है, और सिलेंडर है हमारे घर में, अभी तक पाइपलाइन आई नहीं है, तो गैस खत्म हो गया है, इसलिए आज का हमारा डिनर है इडली सांभर जो बाहर से मंगवाया है, और चाय दूध वगैरह ये इंडक्शन पर बन रहा है। एंड देखते देखते इतनी देर लग गई थी कि डिनर का टाइम हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। एंड अब मैं ये जो थ्री है उसको टू की जगह पर लगा लेती हूँ। अब हम ये डेकोरेशन कर लेते हैं। तो हमने डेकोरेशन के लिए ये सारी चीज़ें ली। अब पहले तो मैं ट्री बना लेती हूँ, उसको अच्छे से कर लेती हूँ, एंड फिर मैं सारी डेकोरेशन की चीज़ें रख लेती हूँ। एंड मैंने ऐसे बहुत ही कलर थीम वाइज देख के डेकोरेट किया कि ये वाला कलर इसके साथ अच्छा लगेगा, ये इसके बाजू में अच्छा लगेगा, तो उसमें भी थोड़ा टाइम गया, बट मुझे इस तरह से डेकोरेट करने में बहुत मज़ा आ रहा था। अभी मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।
क्रिसमस ट्री डेकोरेट। काफ़ी टाइम लगा लेकिन बहुत ही मस्त लग रहा है एंड बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ है। आपको कैसा लगा? एंड वो सारी की सारी गिफ्ट जो हमने आज ली उनका हम क्या करेंगे वो आएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्रिसमस ट्री है उसकी एकदम मस्त छोटी छोटी क्लिप्स आएगी इंस्टाग्राम अकाउंट में जिसका नेम हरियाज अमेजिंग वर्ल्ड। तो आप इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करिएगा। एंड कैसा लगा आपको ये ब्लॉग मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिकॉज सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। एंड साथ साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिएगा, रियाज अमेजिंग वर्ल्ड नेम है। एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।